जल्दी जल्दी किया है सब काम, नहीं तो हम 3 बजे जिम से आते हैं, फिर खाना वाना खा के मतलब आराम से आते हैं, हड़बड़ी में नहीं आते हैं। मिलेंगे नहीं हम 3 ही बजे मिलेंगे। हाँ देखो आधा घंटे की बात थोड़ी ना, टाइम रहना चाहिए ना। अब तुम लोग कर दिए तो क्या करें हम, आधा घंटा पहले 4 बजे आना है तो 3:30 बजे आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 3:30 बजे तक आ जाएंगे। केमिस्ट्री वाला, केमिस्ट्री और बायो, अच्छा चलाओ। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है? देखो सिंपल सा डेफिनेशन की अगर बात करोगे तो टोटल वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ रही है? अब कैसे कल से स्टार्ट हुआ था कि एफ नेट जो होता है वो एम ए की इक्वल होता है, हाँ कि ना? ये कल लिखे थे कि नहीं, ये जो हम कल लिखवाए थे? और जो एफ नेट होता है वो किसके इक्वल होता है? एम ए के इक्वल होता है। अब इस एफ नेट में, अब इस वो सारे एफ नेट आ जाएंगे, मतलब बॉडी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी फोर्स लग सकते हैं वो सारे फोर्स आ सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं क्या है लेकिन आ सकते हैं, है कि नहीं? तो तुम लोग अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो पढ़े ही नहीं हो, तुम लोग क्या 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 फोर्स पढ़े हो? देखो या तो एक्सटर्नल फोर्स, कोई आदमी आदमी खींच रहा हो, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो, ठीक, या तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स जो पढ़ लिए हो, ग्रेविटेशन की वजह से जो फोर्स अप्लाई हो सकता है क्या वो होगा, स्प्रिंग फोर्स भी अप्लाई हो सकता है, सूडो फोर्स भी अप्लाई हो सकता है, और क्या फ्रिक्शन भी अप्लाई हो सकता है? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कैसे बोले, हाँ फ्रिक्शन भी अप्लाई हो सकता है, और क्या अप्लाई हो सकता है? अभी नहीं, हम जो बात कर रहे हैं वो वही फोर्स की बात कर रहे हैं जो कि क्लास 11th का बच्चा जानता है। इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी अप्लाई हो सकता है, मैग्नेटिक फोर्स भी अप्लाई, बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये सारे फोर्स अप्लाई हो सकते हैं, बात समझ में आ रही है? लेकिन तुम लोग जो पढ़े हो बस यहीं तक पढ़े हो, इसीलिए हम यहीं तक का चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जो 11th 12th में जाओगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ कहीं भी ले लेगा तुमसे, चाहे तुमसे मैग्नेटिज्म में ले ले, चाहे तुमसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में ले ले, तब तक ये सारा कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। आ रही बात समझ में? अच्छा, हम इसलिए ये सब फोर्स ले रहे हैं क्योंकि ये सब पढ़े हो और समझ में अच्छे से आएगा। इज इक्वल टू एम वी डी वी बाई डी एक्स, इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अरे इसमें कोई दिक्कत? अच्छा अब सोच के देख, अगर एफ एक्सटर्नल और डी एक्स को इधर लेते हैं तो क्या डी एक्स जो होगा सारे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि एफ एक्सटर्नल प्लस एफ जी प्लस एफ एस प्लस एफ सूडो सूडो प्लस फ्रिक्शन डी एक्स, डी एक्स तो सबके पास आएगा ना, और ये क्या हो जाएगा एम बी डी वी। अब इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या ये डब्ल्यू नेट हो जाएगा, ये पूरा फोर्स और डी एक्स मिला के क्या डब्ल्यू नेट हो जाएगा? अब सोच के देख, ये जो ग्राउंड, ये जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी और फोर्स ड्यू टू स्प्रिंग, ये जो फोर्स है ये कंजर्वेटिव फोर्स है, और ये जो सूडो फोर्स है, ये तो सूडो फोर्स है, ये एक्सटर्नल फोर्स है, लेकिन जो फ्रिक्शन है ये नॉन कंजर्वेटिव है। क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, बात समझ में आ रही है? अच्छा ये कंजर्वेटिव फोर्स है, वो नॉन कंजर्वेटिव, ये सूडो ये एक्सटर्नल, बात समझ में आ रही है? तो ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू नेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इज इक्वल टू एम। अब वी डी वी करेंगे तो क्या ये वी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, और लिमिट ले लेंगे यू से वी तक, इसमें कोई दिक्कत? तो जो डब्ल्यू नेट होगा, वर्क डन, टोटल वर्क डन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई टू माइनस एम यू स्क्वायर बाई टू, इसमें कोई दो राय वाली बात, जिसको हम लोग बोल रहे थे, हम बाकी का यहाँ लिख दे रहे हैं कि डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, कोई इसमें कष्ट वाली बात? अच्छा इसमें देखो दो तीन और बात बतानी है, ठीक है, पहले लिख लो फिर बताते हैं। लिखे हो? अरे रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं? अच्छा लिख लिया पूरा, लिख लो तब। देखो इधर देखो, ये जो है, अब देखो आगे, ये तो छोटा सा पॉइंट है अपने पास, देख अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम तुमसे क्या बोले कि इसको तुम क्या लिख सकते हो, क्या इसको, इस वाले पॉइंट को, इसको क्या लिख सकते हो, क्या डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस
प्लस डब्ल्यू ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल प्लस वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स प्लस वर्क डन बाई सूडो फोर्स प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। क्या ये बोल सकते हो? अरे यही तो डब्ल्यू नेट है। अरे ये जो लिखे क्या यही डब्ल्यू नेट है? हाँ ना, बोलो भैया, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अच्छा, अब जो जनरल तुम लोग से बात करेगा, मतलब तुम लोग से जो बात करेगा वो सारा बात कर सकता है, लेकिन जो जनरल जो मैक्सिमम टाइम यूज होगा, या तो ये दोनों तो कंजर्वेटिव है, इस स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशन क्या कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं? हाँ कि ना? और क्या ये जो फ्रिक्शन है क्या नॉन कंजर्वेटिव है? हाँ कि ना? ये क्या सूडो फोर्स है? ये क्या एक्सटर्नल फोर्स है, वर्क डन है, सॉरी वर्क डन है सब? हाँ कि ना? मैक्सिमम टाइम में, मैक्सिमम जो तुम लोग पढ़ने वाले हो मैक्सिमम क्वेश्चंस में, वो ये जीरो रखेगा, मतलब एक्सटर्नल वर्क डन या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, जो मैक्सिमम क्वेश्चन में पूछ हो सब सकता है, लेकिन हम मैक्सिमम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। ये डब्ल्यू एक्सटर्नल वो देगा ही नहीं तो जीरो हो जाएगा, सूडो फोर्स देगा ही नहीं तो जीरो हो जाएगा, और फ्रिक्शनल फोर्स भी दे सकता है नहीं भी दे सकता है। बात समझ में आ रही है? हम इसको भी जीरो मान ले रहे हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा सा लाएंगे कंसिडरेशन में, क्योंकि ये दे देता है जनरली, फ्रिक्शनल फोर्स दे देता है क्वेश्चन में। तो सोच के देख, ये जो कंजर्व वर्क डन बाय ग्रेविटेशन प्लस वर्क डन बाय सूडो फोर्स होगा, क्या ये वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस हो जाएगा? इसको बोल सकते हो ना कि दिस इज द वर्क डन बाय टोटल कंजर्वेटिव फोर्स, और टोटल कंजर्वेटिव फोर्स क्या ग्रेविटेशन स्प्रिंग दोनों आ जाएगा इसमें, पक्की बात, इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? अगर ये सब जीरो हो गया तो हम जनरल क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, जो 75% क्वेश्चन तुम लोग किताब में मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब हम लोग जब पढ़ते थे कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, याद है कि भूल गया? क्या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, हम लोग पढ़ते थे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, हाँ कि ना? इसमें कोई दो राय वाली बात? तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस टाइम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि हम लोग इसको वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को क्या यू फाइनल माइनस यू इनिशियल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, इसमें कोई कष्ट वाली बात? अरे बोलो ना, नहीं है? अच्छा, अब सोच के देख, ये माइनस यू फाइनल हो जाएगा, ये प्लस यू फाइनल हो जाएगा, तो के इनिशियल को अगर इधर लाओगे तो यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ये लाइन में जो हम लिखे हैं? और मैक्सिमम क्वेश्चन में तुम लोग को यही यूज करना होगा, अगर कहीं भी कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात हो रही है, केवल अगर कहीं भी कंजर्वेटिव फोर्सेस या कंजर्वेटिव वर्क डन की बात हो रही है, यानी कि स्प्रिंग और ग्रेविटी जो तुम लोग अभी तक पढ़े हो, हाँ कि ना? तो क्या ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला तुम लोग लगा सकते हो कि नहीं? ये कौन सा केस है ये हम बताएं, क्योंकि ये 75% केसेस में यही मिलेगा। इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज आर, इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज आर अवेलेबल, फोर्सेज आर, अगर केवल कंजर्वेटिव फोर्सेज अवेलेबल होंगे तो क्या ये जीरो हो जाएगा यार? क्या ये भी जीरो हो जाएगा, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव, मतलब क्या सारे फोर्सेज जीरो हो जाएंगे, बचेगा कौन? केवल कंजर्वेटिव वाला। तो क्या डायरेक्ट ये लगा सकते हो यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल, इसमें कोई दिक्कत वाली बात, कोई कष्ट वाली बात? लिख ले। अब बस हम एक और लाएंगे कि ये जनरली नहीं देता ये, लेकिन अगर नॉन कंजर्वेटिव वर्क डन दिया हो, अब हम बस इस फॉर्मूले का यूज लेके बाकी तुम लोग को चीजें दिखा रहे हैं जो खोल खोल के दिखा सकते हैं जितना हम। अब इसमें तुम लोग को दिमाग लगाना है, बस पहले वर्क डन ये समझ लो अच्छे से, फिर होगा अपने यार सब कुछ। और सोच के देख, कल ये जो हम लिखे हैं ये वाला लाइन, कल जो हम लोग ड्रॉप किए थे बॉल, वो इसी पे डायरेक्ट था, क्यों? क्योंकि वहां पे केवल कंजर्वेटिव फोर्स था और वो फोर्स कौन सा था? ग्रेविटी। तो यहाँ वहां पे हम डायरेक्ट लगाए थे कि इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी है वो फाइनल पोटेंशियल और काइनेटिक के इक्वल है, डायरेक्ट आंसर आया था। कि कोई रोक रहा है, मत चिल्लाओ बे, क्या जोक रोकता, परेशान है कि नहीं? बोल, तुम कर रहे हो कि नहीं नीट का प्रीवियस ईयर? नहीं तो तुम करते जा रहे थे तो आंसर एकदम सही सही आ रहा था। हाँ हाँ, मतलब इसी तरह का था ना जो पढ़ाए थे, उसी तरह का ना था? बात ही खत्म, तब करो करो करो, हो गया? देखो,
देख देखा सुनो 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 सुनो, हम बार बार तुमसे क्या बोल रहे हैं, हम बार बार तुमसे ये बोल रहे हैं प्रेजेंट सब हो सकता है, लेकिन ये जो हम निकाले हैं क्या ये 75% केस की बात की है? प्रेजेंट हो सकता है सब, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अच्छा अब हम क्या कर रहे हैं, ऐसा मान ले रहे हैं कि कंजर्वेटिव भी प्रेजेंट है और नॉन कंजर्वेटिव भी प्रेजेंट है, बाकी जीरो है। तो अगर कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव दोनों प्रेजेंट होगा तो क्या हम लिखेंगे वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल, इसमें कोई दिक्कत? अच्छा अब हम क्या करने वाले हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स को क्या लिखने वाले हैं, माइनस यू ए फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कोई इसमें दिक्कत? इज इक्वल टू के फाइनल माइनस। अच्छा तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू के फाइनल, देखना माइनस यू फाइनल बचेगा उसको उधर ले आएंगे तो क्या प्लस यू फाइनल हो जाएगा, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उधर लाएंगे तो माइनस, तो क्या ये माइनस अगर बाहर ले लें तो के इनिशियल माइनस यू इनिशियल हो जाएगा, सॉरी प्लस यू इनिशियल हो जाएगा, कोई कष्ट? यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि जो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस, मतलब टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल के इक्वल होता है। अरे क्या काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल दोनों मिला के टोटली एनर्जी तो होता है, तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल हो सकता है? अब मैक्सिमम क्वेश्चन में नॉन कंजर्वेटिव भी दिख जाता है, जहां पे फ्रिक्शन लेते आएंगे वहां पे नॉन कंजर्वेटिव खट से आ जाएगा, और जैसा ही नॉन कंजर्वेटिव आएगा खट से ये लगा देना। लेकिन अगर सूडो वूडो आ गया या एक्सटर्नल आ गया तो फिर यहां से हम लोग चलेंगे, अगर ये दोनों नहीं होगा तो जीरो कर देंगे। अपने को मेन जो याद रखना है वो तो यही है यार, यही है अपना बेस, हम क्या इसी से सब कुछ ला रहे हैं, पक्की बात? क्या हम प्रारूप दिखा रहे हैं तुम लोग को कि ऐसा भी होता है? तो ये कौन सा केस है, ये केस है, अरे ये केस है व्हेन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस आर प्रेजेंट, लिख लो लिख लो। हम जानबूझ के लिए जानबूझ, अरे यार सुनो इधर, हम जानबूझ के तुम लोग को प्रारूप दिखाने के लिए देख क्या कर रहे हैं, ये बॉल है एम मास का, हाई टच पे है, इसको गिराए तो बताना है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा जस्ट आफ्टर टकराना, बिफोर टकराना, ठीक, ये फाइनल वेलोसिटी बतानी है। अब कल हम लोग कैसे किए थे कि जितना एनर्जी है उतना ही, जितना एनर्जी काइनेटिक होगा सॉरी जितना पोटेंशियल में होगा वही काइनेटिक में चला जाएगा, डायरेक्ट किए थे, लेकिन अब फॉर्मूले से कर रहे हैं। देख अरे ये जो फॉर्मूला अभी लिखाए हैं जस्ट, ठीक, फॉर्मूले में क्या है कि अगर कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो क्या के फाइनल प्लस यू फाइनल इज इक्वल टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल होगा? क्या यहाँ पे कंजर्वेटिव ही अवेलेबल है, केवल ग्रेविटी है? तो हम अपने डायरेक्ट क्या लगाएंगे, के फाइनल प्लस यू फाइनल इज इक्वल टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, कोई दिक्कत? अब देख फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या जब लड़ेगा तभी फाइनल होगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हाफ एम वी स्क्वायर होगा और पोटेंशियल क्या होगा, जीरो हो जाएगा, और इज इक्वल टू के इनिशियल क्या होगा, इनिशियली तो कोई वेलोसिटी नहीं है क्योंकि ड्रॉप हो रहा है ये बॉल, ड्रॉप्ड, हाँ कि ना? हाँ बोलो। यू फाइनल जो क्या फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है ना, क्या जमीन पे जब टकराया तो पोटेंशियल खत्म ना, तो के इनिशियल प्लस यू इनिशियल कितना है, क्या एम जी एच है, तो क्या एम जी एच हो जाएगा? क्या वेलोसिटी अब यहाँ से सॉल्व कर लोगे तो क्या रूट टू जी एच हो जाएगा? क्या कल जो हम लोग कॉन्सेप्ट से सीखे, क्या जो हम लोग कल कॉन्सेप्ट से सीखे थे क्या ये डायरेक्ट फॉर्मूले पे आया है जो कि वर्क एनर्जी थ्योरम से आया है? बात समझ में आ रही? तो ये वर्क एनर्जी थ्योरम है, ये लिख लो फिर अच्छा क्वेश्चन कराते हैं, लिख लो दिस इज बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, कल भी यही किए थे, क्या हुआ? कल भी यही किए थे लेकिन वर्क एनर्जी थ्योरम ये नहीं आया था, ये फॉर्मूला कर दिए थे।
हो गया। अगला वाला क्वेश्चन तुम लोग सोचोगे थोड़ा सा, मौका दे सोचना, करना यही है सोचना, देखो क्या पता सोच पाओ, है इजी। हाँ क्या हुआ? अरे यार खुल के बोला क्या करो। देख अगला क्वेश्चन देखो देखो देखो, क्वेश्चन देख। एक हम लोग क्या किए, उल्टा ये अपना वॉल है और ये ऐसे स्प्रिंग लगा हुआ है मस्त, यहाँ पे ब्लॉक है 1 किलो का, कितने किलो का? 1 किलो का ब्लॉक है, कोई इसमें दिक्कत? अच्छा, इसको क्या किए, इस ब्लॉक को, इस ब्लॉक को ये जो है डिस्टेंस ये मान लेते हैं 2 मीटर है, कितना? 2 मीटर, ठीक। अच्छा 2 मीटर डिस्टेंस है, 1 किलो का ब्लॉक है, स्प्रिंग का जो के है दैट इज 50, कोई इसमें दिक्कत? अच्छा 50 है, क्या न्यूटन पर मीटर यूनिट भी लिख दो, न्यूटन पर मीटर होता है यूनिट। अच्छा के 50 न्यूटन पर मीटर है। अब तुमको जो बताना है ड्रॉप, इस ब्लॉक को क्या किया ड्रॉप्ड, तुमको क्या बताना है क्या स्प्रिंग पे गिरेगा? तुमको बताना है फाइंड आउट, क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट, फाइंड आउट मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्ट्रिंग, कंप्रेशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कितना मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा यही बतलाना है तुमको। खुद से करोगे एक बार ट्राई, सोचो दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। इजी है कि नहीं, इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? करे देखो देखो इजी क्वेश्चन है। देखो हम तुमको बता रहे हैं एक चीज, हम तुम लोग सुन लो, ठीक है क्वेश्चन है सामने, कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात क्या होती है कि अभी जो टॉपिक चल रहा है वो वर्क एनर्जी थ्योरम चल रहा है, तो तुम लोग को पता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगने वाला है, लेकिन एग्जाम में जब इस तरह का क्वेश्चन आता है ना तो उस टाइम पे नहीं आदमी पकड़ पाता कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है कि क्या लगाना है। बात समझ में आ रही है? कैसे पता लगाओगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा कि नहीं लगेगा, कैसे पता लगाएंगे? जो पहला तरीका होता है, जो मेथड होता है हिट करने का ना, वो यही होता है कि हाइट से गिर रहा है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी तो होगा, और अगर स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है तो स्प्रिंग का भी पोटेंशियल एनर्जी आएगा, अगर स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा है तो उसका भी तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा, मतलब एनर्जी की बात आ रही है तो वर्क एनर्जी थ्योरम आ सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसे पता लगाते हैं, बात समझ में आ रही? ऐसा ही दिमाग में टक करता है। अब ये एग्जाम हॉल में कैसे टक करेगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी टक करेगा कि अच्छा ये ऐसे होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा अब ये कैसे होगा, ध्यान से सुन, थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट बता दें। देख अगर मान ले कि ये स्प्रिंग है, क्या है ये, अगर स्प्रिंग है, देख इधर रुक जा, ये क्या है अपने पास स्प्रिंग है, ठीक। क्वेश्चन हम लोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले सुन। अगर ये अपने पास स्प्रिंग है और सोच के देख, वो अगर ब्लॉक गिरा उसके ऊपर, अगर इस पे गिरा स्प्रिंग पर, अगर ब्लॉक गिरा तो सोच के देख क्या होगा, क्या स्प्रिंग, जैसे ही स्प्रिंग के ऊपर ब्लॉक गिरेगा क्या चिपक के तुरंत SHM करने लगेगा? इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अच्छा जब यहां पे अपना ब्लॉक आएगा, यहां पे ब्लॉक आएगा तो क्या, अगर मैक्सिमम कंप्रेशन की बात करोगे तो क्या यहां तक कंप्रेस हो जाएगा, बी तक, क्या दब जाएगा? उसके नीचे एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां उसके नीचे जा, वहां पे मैक्सिमम कंप्रेशन आ चुका होगा, और अपने को यही मैक्सिमम कंप्रेशन एक्स चाहिए। हम लोग मान लेते हैं जो मैक्सिमम कंप्रेशन होगा वो एक्स, वो क्या होगा, एक्स होगा, और यही मैक्सिमम कंप्रेशन पूछा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन इसमें, इसके बीच में ये जो यहाँ नेचुरल लेंथ है और जो मैक्सिमम कंप्रेशन है, इसके बीच में एक और पॉइंट आएगा, ये कौन सा पॉइंट हम बता रहे हैं? देख अगर वो ब्लॉक गिरेगा इसके ऊपर तो क्या, ये जब ब्लॉक इसके ऊपर गिरेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ तक स्प्रिंग फोर्स से ज़्यादा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स स्प्रिंग फोर्स से ज़्यादा होगा, और फिर बाद में जब यहाँ से कंप्रेशन एक्स्ट्रा होगा
तो फिर स्प्रिंग फोर्स ज्यादा हो जाएगा, यानी कि स्प्रिंग फोर्स अब इसको कोशिश करेगा रोकने का कि भाई अब बस कर, मत आ नीचे। तो ये जो पॉइंट है ये वो पॉइंट है जहां पे स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स दोनों इक्वल होंगे। स्प्रिंग फोर्स के एक्स है और ये एम जी है, यानी कि ये जो पॉइंट होगा ये इसका पॉइंट होगा जहां पे दोनों फोर्सेस बैलेंस हो चुके होंगे, ये इस पॉइंट पे। लेकिन एम जी अभी भी सपोर्टिव है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा है, फिर उसके बाद एम जी लगेगा, लेकिन के एक्स इसको अभी भी रोकने की, यहां से रोकने की कोशिश स्टार्ट कर देगा के एक्स। लेकिन सोच के देख, एम जी ज्यादा है तो स्प्रिंग पे अगर आएगा तो क्या, जैसे ही स्प्रिंग पे आएगा तो के एक्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, तो बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां के एक्स एम जी के इक्वल होगा ना, तो ये वो पॉइंट है जहां के एक्स एम जी के, और फिर जब नीचे आएगा तो वहां पे क्या होगा कि अब, मतलब अब ये जो एम जी फोर्स है, यहां तक तो एम जी फोर्स ज्यादा था, लेकिन अब जैसे ही नीचे आना स्टार्ट होगा तुरंत के एक्स फोर्स ज्यादा हो जाएगा, और एक पॉइंट ऐसे आएगा जहां पे ये ब्लॉक रुक जाएगा और वही मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। लेकिन सोच के देख, यहां पे दो पॉइंट आया ना, एक पॉइंट सी मान लेते हैं, एक पॉइंट बी मान लेते हैं, एक पॉइंट वहां जहां पे एम जी के एक्स के इक्वल होगा और एक पॉइंट मैक्सिमम कंप्रेशन वाला होगा, हाँ कि ना। अब इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से करना है, करने के लिए डायरेक्ट भी कर सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हैं। अब डायरेक्ट अगर बात करें, डायरेक्ट एक बार कर दे क्या, फिर उसके बाद वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। अगर हमको डायरेक्ट करना, देख क्या होगा, क्या यहां से यहां तक आएगा तो क्या पोटेंशियल एनर्जी, पक्की बात, और क्या अगर स्प्रिंग दबा तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, और जो पोटेंशियल एनर्जी गिरने में आया वही स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा। अरे यार, जो हाइट एच, मतलब ये देखिए यहां पे टोटल हाइट क्या है, 2+x है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी ये ब्लॉक का यहां तक आने में आया, जो कि गिरने की वजह से, मतलब ग्रेविटेशन की वजह से, वही स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में जाएगा। बस सिंपल हो गया, क्वेश्चन खत्म, सॉल्व। यानी कि हम क्या कह रहे हैं, कहां लिखे ये एम जी इज इक्वल टू के एक्स लिख लेना, इस पॉइंट पे एम जी इज इक्वल टू ये लिख लेना। बोर्ड छोटा है, सब्सक्राइब करो, 1000 पे बड़ा बोर्ड, आओ देखो। तो जो ग्रेविटेशन होगा उसी, वही किस में जा रहा है, स्प्रिंग के पोटेंशियल एनर्जी में, हाँ कि ना। देख मास कितना है ब्लॉक का, 1 किलो, 1 × g × 2+x एम जी एच इज इक्वल टू 1/2 50x2। सॉल्व कर ले, आंसर आ गया। ये डायरेक्ट किए हैं, सिंपल, मतलब दिमाग लगा के। क्यों इस तरह हम लिख दिए डायरेक्ट, क्योंकि हमको पता है भैया कि जो गिरने में लगा वही स्प्रिंग में आएगा ना। अरे पक्की बात, ये समझ में आई कि नहीं लाई। अब इसको करते हैं हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से, ये तो कॉमन सेंस से आ गया, वर्क एनर्जी थ्योरम से करते हैं। देख, वर्क एनर्जी थ्योरम जब लगाने जाओगे तो अपने को बड़ा सा इक्वेशन नहीं लिखना है, पहले ही अपने आप को गुणा गणित लगा लेना है ताकि उतना बड़ा इक्वेशन लिखने की जरूरत। यहां पे देखो, एक तो ग्रेविटेशन आ रहा है, ग्रेविटी आ रही है, और दूसरा स्प्रिंग फोर्स आ रहा है, यानी दोनों कंजर्वेटिव है, और दोनों कंजर्वेटिव है तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, कोई कष्ट वाली बात नहीं है। अच्छा देख, के इनिशियल क्या है, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। देख ये ब्लॉक यहां पे रुका हुआ है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, जीरो। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ब्लॉक की वो क्या होगी, m दैट इज 1 × ग्रेविटी दैट इज 10 × s दैट इज 2+x, जो कि मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। हाँ बोलो। अरे एक मिनट, रुक। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो, काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हो। अरे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी ना, अरे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी ना प्रभु, तो फिर बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब पोटेंशियल एनर्जी देख, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जीरो इस वाले ब्लॉक का, ठीक। अच्छा अब जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी, दैट इज जो m दैट इज 1 × ग्रेविटी × हाइट दैट इज 2+x इज इक्वल टू फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या जब स्प्रिंग यहां पे रुकेगा तो क्या ब्लॉक रुक जाएगा, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो इस केस के लिए। अरे जब ये स्प्रिंग रुकेगी तो क्या ब्लॉक रुक गया ना, तो जीरो, हाँ कि ना। और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी स्प्रिंग की वो कितनी होगी, बोलो ना, वो पोटेंशियल एनर्जी 1/2 kx² होगी ना, दैट इज 1/2 k, कितना है 50 × x² देख ऊपर, देखिए जीरो है, ये जीरो है, जो ऊपर लिखे हो वही नीचे भी लिखा है, हो गया, कर ले धीरे धीरे समझ में आएगा, लिख पहले इसको।
इसमें कहीं कुछ दिक्कत, ऐसा कुछ प्रॉब्लम वाली बात जो कि समझ में ना आया हो? अरे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये लाइन समझ में आई कि नहीं आई? ये हम वर्क एनर्जी थ्योरी भी तो लगाए हैं, क्या सब कॉमन सेंस पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो फिर तो अगर कंजर्वेटिव फोर्स केवल है ना, तो तू कॉमन सेंस भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, केवल कॉमन सेंस है। अगर ये लाइन में प्रॉब्लम है कहीं नीचे इस वाले लाइन में, तो बताओ, तो बताएं पक्की बात ना। हमको पता नहीं क्यों लग रहा है कि यहाँ पे तुम लोग हल्का सा कंफ्यूज हो, हल्का सा इस ये नीचे वाले लाइन में, पक्की बात ना। चलो आओ देखो एक और क्वेश्चन कराते हैं। अब ये जो क्वेश्चन था ये कंजर्वेटिव फोर्स था केवल, एक बार नॉन कंजर्वेटिव भी लाके चेक कर लेते हैं। ठीक, आ जाओ। हाँ आ जाओ, नॉन कंजर्वेटिव भी एक बार घुसा लेते हैं। देख पता है, देख ट्राई करोगे तुम लोग कि हम ट्राई करें? नहीं तुम लोग करो ना। देखो ये जो है अपने पास स्प्रिंग दे रखी है, ये स्प्रे ये वेट मान लेते हैं 1 किलो है, कितना किलो, 1 केजी का वेट है, और ये अपने पास K इज इक्वल टू 50 न्यूटन पर मीटर दे रखा है। ठीक, ये जो स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ है वो ये है, ये नेचुरल लेंथ है, यानी कि स्प्रिंग कंप्रेस्ड है ऑलरेडी। ये समझ में आता है कि नहीं, अगर नेचुरल लेंथ ये है, अगर अंदर है तो स्प्रिंग कंप्रेस्ड है। अच्छा अब हम क्या किए, अगर कंप्रेस्ड है तो छोड़ेंगे, और छोड़ेंगे तो ये ब्लॉक आगे की तरफ भागेगा, पक्की बात। तो हम मान लेते हैं कि ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है यहाँ पे आ गया, यहाँ पे जब हम कंप्रेस करके छोड़े तो ये ब्लॉक यहाँ आ गया, और इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 है, मतलब चल के एकदम मस्त आके खड़ा हो गया है। वेलोसिटी कितनी हुई, जब वेलोसिटी 0 होगी तभी तो हम डिस्टेंस देख पाएंगे, हाँ कि ना। और ये जो कंप्रेस की है, ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं 2 मीटर है, 2 मीटर हम कंप्रेस किए, नेचुरल लेंथ से कंप्रेस किए तो 2 ही मीटर मान लेते हैं। ठीक, अच्छा के 50 न्यूटन 1 केजी, और अब यहाँ पे हम कंजर्वेटिव फोर्स लाने वाले, यहाँ पे न्यू जो दे रखा है दैट इज 0.5, क्या फ्रिक्शन आ जाएगा? अच्छा फ्रिक्शन आ गया कि नहीं आ गया? अब तुमको बताना है कि कितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर किया ये ब्लॉक फ्रॉम नेचुरल लेंथ। अरे क्वेश्चन सही है कि नहीं, ये मतलब तुमको क्या बताना है, फाइंड आउट मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन नेचुरल लेंथ एंड द ब्लॉक व्हेन वेलोसिटी 0। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन फिर से सुन ले, हम स्प्रिंग कंप्रेस किए हैं, 1 किलो का ब्लॉक है, के 50 न्यूटन पर मीटर है, नेचुरल लेंथ से 2 मीटर पीछे ऐसे हम कंप्रेशन किए हुए हैं, और तुरंत इसको खट से छोड़ेंगे तो यहाँ पे आके रुक जाएगा। तुमको ये डिस्टेंस बताना है कि कितने दूरी पे ये ब्लॉक नेचुरल लेंथ से रुका हुआ है। हम बार बार नेचुरल लेंथ बोल रहे हैं, यानी कि ये वाली डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, क्या यही एक्स बताना है? क्या ट्राई करोगे कि हम करें? ट्राई करो, क्या क्वेश्चन सही है? करो, वर्क एनर्जी थ्योरम स्कूल में हो गया है? नहीं, करो करो, आप हमको कष्ट नहीं है, हो गया। हाँ ना, अभी मतलब और क्वेश्चन कराएंगे, खूब दबा के क्वेश्चन कराएंगे, चिंता मत करो। ट्राई कर रहे हो कि क्वेश्चन लिख रहे हो? ट्राई करोगे कि हम बताएं? आवत का ए आवत लाइन तो करा, मोहित शर्ट बहुत अच्छा अच्छा खरीदता है, कहाँ से खरीदते हो? तब किसका है? कितना दुखी होके बोला है, मेरा नहीं है सर, भैया का कि पापा का? अरे चलो यार कमाओगे, काहे घबरा रहे हो, जिंदगी बहुत बड़ा है कि नहीं है, कि नहीं है? बस
तुम अपना पेंट दिए उसको, खरीदे हो उसके लिए? अरे भाई साहब क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही। चलो बताए कि कर रहे हो। चलो आगे देखो, इसको कॉमन सेंस से भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक, लेकिन इसको हम पहले कॉमन सेंस से सॉल्व नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, ठीक। अच्छा ध्यान से देख, अब इसमें अब देख, स्प्रिंग फोर्स तो है क्योंकि स्प्रिंग दबा हुआ है, तो स्प्रिंग फोर्स तो आया, यानी कि स्प्रिंग की वजह से वर्क डन भी आया होगा, ठीक। लेकिन यहाँ पे फ्रिक्शन भी अवेलेबल है, यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी है। यानी कि वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करें तो अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगने वाला है, दैट इज वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। यही फोर्स लगे, यही लगेगा क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव अवेलेबल है, और हम बताएं अगर कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव अवेलेबल होंगे तो ये लगेगा। क्या कंजर्वेटिव भी है, क्या नॉन कंजर्वेटिव भी है, तो क्या यही लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा वो कितना होगा? तो जो वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगा, एक तो फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन इंटू टोटल डिस्टेंस, क्या यही वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव होगा? पक्की बात। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन क्या क्या होगा, क्या न्यू एन होता है फ्रिक्शन फोर्स, दैट इज न्यू एन। तो न्यू क्या 0.5 है और एन क्या 10 है। अच्छा तो 10 इंटू 5 हो जाएगा, इंटू कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब वो फ्रिक्शन फोर्स कितने दूरी तक लगा। तो क्या ये 2 के लिए और x दोनों के लिए लगा, यानी कि 2 प्लस एक्स। दिस इज द वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इज इक्वल टू जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो तो जीरो हो गई, क्या फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो तो जीरो ही है, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो भी जीरो ही है, जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये दबा हुआ है तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है ना यार, तो क्या हाफ 50 एक्स स्क्वायर माइनस, सॉल्व कर ले एक्स निकाल ले, बात समझ में आया, कोई इसमें दिक्कत? अच्छा अगर इसको कॉमन सेंस से सॉल्व करना हो, अगर इसको कॉमन सेंस से सॉल्व करना हो, कॉमन सेंस से देख, देख इधर कर रहे हैं, दूसरा कलर का चौक उठा लेते हैं, कॉमन सेंस से, ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया, कॉमन सेंस दूसरा कलर, कॉमन सेंस कौन सा सेंस, कॉमन सेंस देख, कॉमन सेंस अगर इसको सॉल्व करना हो, देख यहां पे जो एनर्जी आएगी, यहां पे वो एनर्जी एक ही एनर्जी है ही, स्प्रिंग फोर्स, वो कौन सी एनर्जी है, स्प्रिंग फोर्स ही तो है, स्प्रिंग फोर्स की वजह, यानी कि स्प्रिंग की एनर्जी जो है वही एनर्जी है, और कोई एनर्जी दिख रही है क्या तुमको? अगर ये वर्क एनर्जी थ्योरम छोड़ दो, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल सब भूल जाओ, तो इस बस क्वेश्चन को देख, यहां पे तेरे को बस स्प्रिंग की ही एनर्जी दिखेगी, बात समझ में आ रही है, और इसी स्प्रिंग की एनर्जी की वजह से ये ब्लॉक आगे की तरफ भाग रहा है। लेकिन ये ब्लॉक जब भाग रहा था तो चलते 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 क्या ब्लॉक रुक जाएगा, और वो रुकेगा किसके वजह से, क्या स्प्रिंग, ये फ्रिक्शन की वजह से रुकेगा, मतलब जो स्प्रिंग की एनर्जी है वो एनर्जी फ्रिक्शन का जो वर्क डन हो रहा है वो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। ये बात समझ में आती कि नहीं? मतलब जो वर्क डन है फ्रिक्शन का वो स्प्रिंग की एनर्जी को कम कर रहा है, मतलब जितना फ्रिक्शन है और जितना स्प्रिंग की एनर्जी है वो दोनों जब तक इक्वल नहीं होंगे तब तक ये ब्लॉक भागता रहेगा, क्योंकि पहले जो होगा वो स्प्रिंग की एनर्जी आएगी, क्योंकि पहले कंप्रेशन हो चुका है, और जैसे ही स्प्रिंग छोड़ेंगे तुरंत ही कंप्रेशन ढीला होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि स्प्रिंग फोर्स आगे की तरफ लगना स्टार्ट हो जाएगा, हाँ की ना, सॉरी पीछे की तरफ लगना स्टार्ट हो जाएगा, तभी तो इसको आगे ढकेलेगा, पक्की बात। लेकिन वो फ्रिक्शन के वर्क डन में जा रहा है, मतलब जो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी है वो फ्रिक्शन के वर्क डन में जा रहा है। अरे तो क्या जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन है वो किसके किस में जा रहा है, स्प्रिंग के पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, और जो वर्क डन हो रहा है फ्रिक्शन का वो पीछे की तरफ हो रहा है, दैट इज माइनस। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, यानी कि हाफ 50 एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर क्या
कि टू होगा, टू होगा ना यार, नेचुरल लेंथ से देख रहे हैं ना, हाफ 50 इंटू टू स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू टू प्लस एक्स, क्योंकि ये तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन है, सॉल्व कर ले आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, लिख ले। यहां पे फ्रिक्शन की भी डायरेक्शन ले लो, यहां पे माइनस लगा लेना, फ्रिक्शन की भी डायरेक्शन ले लो। बात समझ में आ रहा है, फ्रिक्शन की भी डायरेक्शन ले लो, मतलब जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो रहा है वो पीछे की तरफ हो रहा है। क्या चीज? हाँ, माइनस माइनस कट जाएगा फिर, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? हाँ, क्योंकि ये फ्रेम पे डिपेंड करता है ना, ये बात होती है, फ्रेम पे डिपेंड करता है। कर एक क्वेश्चन और करें, एनएलएम का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? आ जाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार, मतलब क्वेश्चन करते हैं एक आखिरी क्वेश्चन, ठीक? कितना टाइम हो रहा है देखो तो, हाँ चलो एक क्वेश्चन हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं, शानदार करे भाई। अच्छा इरेज करें, क्या कॉमन सेंस से भी समझ में आ रहा हो, क्या इससे भी समझ में आ रहा है? चलो आप सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, घबराना मत बस क्वेश्चन को देख के। देख इस पे कल 2-3 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, आज बस छोटा सा क्वेश्चन देख ले। देख ठीक, अच्छा ये अपने पास चेन दे रखी है, क्या दे रखी है? ऐसे चेन लटकी हुई है टेबल के कोने पे, ये टेबल है, कोई भी टेबल, जैसे ये टेबल है, इसके कोने पे ऐसे चेन लटका दो, ठीक? अच्छा तो इस टेबल का जाहिर सी बात है कुछ फ्रिक्शन होगा न्यू, अच्छा, और इस चेन का जो मास है वो एम मान लेते हैं और जो लेंथ है वो एल मान लेते हैं, कोई दिक्कत? चेन का मास एम और लेंथ एल। क्वेश्चन है फाइंड आउट द कंडीशन, मतलब वो कंडीशन बता दे जहां पे चेन जो इक्विलिब्रियम में हो, कंडीशन व्हेन चेन इज इन इक्विलिब्रियम, वो कंडीशन बतानी जहां चेन इक्विलिब्रियम में हो, लिख दे रहे चेन इज इन इक्विलिब्रियम, चेन क्या हुआ, चेन इक्विलिब्रियम, चेन इज इन, वो कंडीशन बताना है, कंडीशन बताना है व्हेन चेन इज इन, मतलब चेन ऐसे रुकी है, मास्त रुकी है, वो कंडीशन बताना है, करोगे कि हम बताएं? ये इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं है, एनएलएम है, सिंपल एनएलएम है, वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं है। हम बताएं कि तुम लोग करोगे, एक बार सोचो देखो क्या होता है। फाइंड आउट द कंडीशन व्हेन चेन इज इन इक्विलिब्रियम, देखो ये चेन है, वो भी चेन है, इधर भी, इधर कुछ हिस्सा चेन का इधर है, कुछ हिस्सा चेन का उधर है, ये जो इधर चेन का हिस्सा है, ये जो इधर चेन, क्या वही सरकाने की कोशिश करेगा? मतलब जो इस हिस्से में जो कैट, इस हिस्से में जो स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, क्या वही नीचे ले जाने की कोशिश कर रहा है इस चेन को? ठीक, तो इधर हिस्सा जितना है, मान लेते इधर एक्स हिस्सा जो है चेन का वो लटका हुआ है, तो इधर एक्स है तो उधर क्या एल माइनस एक्स बचेगा, एल माइनस एक्स बचेगा। अच्छा इधर जो चेन का हिस्सा है, इधर वो चेन का हिस्सा क्या एमजी से नीचे की तरफ खींचा जा रहा होगा? इधर वाला हिस्सा एमजी से नीचे खींच रहा होगा, और इस एमजी जो नीचे खींच रहा है, ये जो एमजी, उसको कौन बचा के रखेगा? अगर रखेगा तो फ्रिक्शन, हाँ कि ना? अच्छा तो इधर जो mg का हिस्सा है, वो mg का हिस्सा है मास पर यूनिट लेंथ इंटू एक्स इंटू जी, मतलब जो इस साइड में जो ग्रेविटेशन का, ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा है, दैट इज दिस, इतना फोर्स इधर लग रहा है इस वाले हिस्से में। कैसे लिखे, समझ में आ रहा है कि नहीं? तब तो आगे बढ़े, m बाई एल इज द पर यूनिट लेंथ,
और एक यूनिट लेंथ का इतना, तो एक्स का इतना मास और ग्रेविटी मल्टीप्लाई कर दी है। और जो ये जो फोर्स अब लग रहा है, अगर ये चेन रुकी रहेगी तो फ्रिक्शन अगर रोकेगा तभी रुकी रहेगी, मतलब ये जो फोर्स फ्रिक्शन के फ्रिक्शन मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन से या तो कम हो या तो उसके इक्वल हो तभी ये बच्चे रुका रहेगा, वरना खसक जाएगा। ये कंडीशन समझ में आ रही कि नहीं? यही कंडीशन है जिसकी वो बात समझ में आ रही है। मतलब इधर जो फोर्स लग रहा है उसको कौन बचा सकता है यार? फ्रिक्शन। और ये जो फ्रिक्शन है वो या तो इस फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं होगा तो क्या ये चेन सरक जाएगी ना यार? अगर जो पीछे खींचने वाला फोर्स है वो ज़्यादा नहीं होगा तो क्या ये सरक जाएगी ना? मतलब क्या मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन से क्या कम होना चाहिए ये वाला फोर्स, या तो उसके इक्वल हो, तब तो चेन इक्विलिब्रियम में होगी। अच्छा सर, यानी कि इसको और सॉल्व करके देखते हैं। मतलब आ गया कंडीशन, आ गया यही कंडीशन है वो, लेकिन इसको और सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज एम बाई एल एक्स जी, कोई दिक्कत, लेस देन इक्वल टू, फ्रिक्शन क्या होता है, क्या न्यू एन होता है? अच्छा न्यू, अब एन क्या होता है? एम जी होता है। तो देख इधर जो एम जी है दैट इज एम बाई एल, रुक जा एम बाई एल मास पर यूनिट लेंथ इंटू एल माइनस एक्स। अरे अब इसको सॉल्व कर ले, तो देख रुक जा तो L देख, अब ये जो है इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका होता है, बात समझ में आ रही है? तो इसको अगर डायरेक्ट ऐसे देखो तो ये बचेगा, ये G भी होगा ना, अरे तो बोलना चाहिए था ना। देख तो ये क्या हो जाएगा, X इज लेस देन न्यू L माइनस एक्स, इसको सॉल्व कर रहे हैं अब हम, तो न्यू इज लेस देन इक्वल टू X अपॉन L माइनस एक्स। दिस इज द कंडीशन जब चेन इक्विलिब्रियम में रहेगी, बात समझ में आ रहा है? लिख ले, क्वेश्चन टफ था ये, एनएलएम का क्वेश्चन था, वर्क एनर्जी थ्योरम इसमें है ही नहीं, कर। हाँ बोलो, अरे ये समझ में आया है ना, तो ये अब ये इसी लाइन को तो इलिब्रेट किया है। ये तो फ्रिक्शन की वैल्यू लिखे है ना यार, फ्रिक्शन क्या न्यू एन होता है ना, तो ये न्यू हो गया, और एन क्या एम जी होता है, तो इधर का मास निकालोगे ना, जैसे इधर का मास निकाले हो, दिस इज एम बाई एल इज पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, और इधर कितना लेंथ है, एल माइनस एक्स है, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या उधर का मास आ गया, और ग्रेविटी बचा तो ग्रेविटी का मल्टीप्लीकेशन कर दी, तो कर लो आज के लिए, ठीक है? कल वर्क एनर्जी थ्योरम पे और क्वेश्चन करेंगे और फिर कल देखा जाएगा। ये टॉपिक लगभग खत्म है, मतलब ये चैप्टर कुछ दिन का और है, 4 दिन, ठीक है? चलिए यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दो बेटा। हाँ चलो, चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करो दबा के, और कंसीडर करो वीडियो, अब तो वर्क एनर्जी थ्योरम भी आ गए, अभी अब हम धीरे धीरे बोलना स्टार्ट करेंगे कि अब मेरा वीडियो देखिए शॉर्ट्स बना बना के, क्योंकि अभी तक हम गारंटी रही थे कि हम ये कर पाएंगे जो हम कर रहे हैं, ठीक है? चलो सब्सक्राइब करो और लाइक करिए, वीडियो को सपोर्ट करिए, चलो बाय।